नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बिहार की ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। 3 साल बाद 20 को बिहार लौट रहे हैं लालू प्रसाद, उपचुनाव में मांगेंगे वोट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं। जेल से रिहा होने के बाद इस तारीख का इंतजार पूरे बिहार को था। करीब 3 साल के बाद लालू प्रसाद बिहार वापस आ रहे हैं। शुक्रवार को राजद विधायक दल की बैठक के भाई वीरेंद्र ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव 20 अक्टूबर को पटना आएंगे। पटना आने के बाद लालू प्रसाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए भी जा सकेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उनकी सभा हो सकती है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में पहले ही लालू प्रसाद का नाम शामिल कर रखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू इस बार जनता से वोट मांगने भी जाएंगे। लालू यादव के पटना आने की खबर आने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। सभी जिलों में ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू खोलने का निर्देश, बकाये छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के भुगतान का भी निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में समीक्षा बैठक की। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेगावृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेगावृत्ति योजना के अंतर्गत छात्र छात्राओं के बकाया छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी मौजूद थी। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय खोलने का फैसला लिया। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, जननायक कारपुरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, पीटी परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास और कोचिंग की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। बिहार में इंटर पास लड़कियों के लिए खुशखबरी, अकाउंट में जल्द आएंगे 25,000 रुपये। बिहार के इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार अब इंटर पास लड़कियों को 25,000 रुपये देने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 4,12,469 इंटर पास अविवाहित लड़कियों को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये का भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित करने जा रही है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपये सभी जिलों को जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1,24,000 स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये का भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले साल 3,28,431 इंटर पास अविवाहित लड़कियों के आवेदन मिले थे जिन्हें 10,000 रुपये का भुगतान किया गया था। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और फिर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये और स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है। पिछले साल 95,102 स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई। ऐसे साल 2018-19 में 24 जुलाई 2021 तक इंटर पास 3,28,431 लड़कियों ने आवेदन किया था। इनमें से 12,079 आवेदन नामंजूर किए गए थे जबकि 2,37,890 लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। सरकार ने पिछले 4 वर्षों से इस योजना के लिए कुल 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बिहार में 387 दरोगा की नौकरी खतरे में, एकेडमी की परीक्षा में हुए फेल, 10 को मिला 0 नंबर। बिहार पुलिस में तैनात 387 दरोगा एकेडमी की परीक्षा में फेल हो गए हैं। परीक्षा में असफल होने के बाद इनकी नौकरी खतरे में है। इन अधिकारियों की नौकरी जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 10 दरोगा ऐसे हैं जिन्हें
निदेशक मूल्यांकन में 0 नंबर मिला है। बिहार के राजगीर स्थित पुलिस एकेडमी से हाल ही में 1581 दरोगा पास आउट हुए हैं। 2018 बैच के इन अफसरों को फिलहाल प्रोबेशन पीरियड से बिहार के विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। 1 सितंबर से ही आवंटित जिलों में वे योगदान दे रहे हैं। 26 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार के समक्ष इनकी पास आउट परेड हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिवीक्षा काल में तैनात इनमें से 387 दरोगा को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये एकेडमिक की परीक्षा में फेल हो गए हैं, एग्जाम नहीं पास कर पाए हैं। दुर्गा पूजा में पटना के अंदर ना लगे जाम, पटना पुलिस 4 ट्रैफिक स्क्वाड करेगी तैनात। शारदीय नवरात्र में अष्टमी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे त्योहार का असर राजधानी पटना के सड़क पर दिखने लगा है। दुर्गा पूजा में अष्टमी से लेकर दशमी के बीच मेले का नजारा होता है और इस दौरान राजधानी के ज्यादातर इलाकों में जाम की समस्या देखी जाती है, लेकिन इस बार पटना की जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी की है। पटना में जाम से निजात दिलाने के लिए 4 ट्रैफिक स्क्वाड का गठन किया गया है। रेंज आईजी संजय सिंह ने ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर ट्रैफिक स्क्वाड के गठन का निर्देश दिया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस स्क्वाड की नियुक्ति होगी। 16 जवानों के साथ एक पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। रेंज आईजी संजय सिंह ने कहा कि त्योहार के समय जाम ना लगे इसका ख्याल पुलिस रख रही है। ट्रैफिक स्क्वाड का गठन कर दिया गया है और अलग अलग इलाकों में लगने वाले जाम को छुड़ाने के लिए यह स्क्वाड काम करेगा। राजधानी में त्योहार के बीच ट्रैफिक के नियम लागू किए जाएंगे। डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, बोरिंग रोड, पटना सिटी के कुछ इलाकों में 4 पहियों वाहनों की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों में कमर्शियल गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पटना सहित 8 जिलों में नवंबर से शुरू होगा बालू खनन, बड़ी कीमतों से मिलेगी राहत। बिहार में पटना सहित 8 जिलों में नवंबर से बालू खनन शुरू होने की संभावना है। इससे पहले नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए खनन विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन कैबिनेट का फैसला विभाग के पदाधिकारियों तक औपचारिक रूप से नहीं पहुंच पाया। इसके कारण घाटों की नीलामी में देरी हो रही है। बता दें कि राज्य के 8 जिलों पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिले में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया होनी है। राज्य कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने इस दिशा में तैयारियां शुरू कर दी है। बालू घाटों का टेंडर 27 अक्टूबर को पूरा होने की संभावना है। इन 8 जिलों में बालू खनन करीब 6 महीने से बंद है। नए बंदोबस्त धारियों को बालू खनन की जिम्मेदारी मिलने पर स्थानीय लोगों को आसानी से उचित दाम पर बालू मिल सकेगा। इसके साथ ही सरकार को फिर से राजस्व भी मिलने लगेगा। रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। मनोज कुमार सिंह बोले, दशहरा से पहले मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने दशहरे पर रेलवे कर्मचारियों को शानदार तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए उन्हें बोनस देने का ऐलान किया है। इस घोषणा से लगभग 11.56 लाख रेल कर्मियों को फायदा मिलेगा। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में फैसला लिया गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उत्पादकता आधारित बोनस को स्वीकृति दी है। लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। बिहार में गहराएगा बिजली का संकट, कांटी और बरौनी बिजली घर होंगे बंद। तेजस्वी बोले, डबल इंजन सरकार से ट्रिपल नुकसान। बिहार सरकार ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का निर्णय लिया है। सूबे को लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट एनटीपीसी बंद करने की तैयारी में है। कांटी और बरौनी थर्मल प्लांट बंद करने से बिहार में बिजली की समस्या और भी ज्यादा गहरा जाएगी। इस मुद्दे को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है। बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों कांटी और बरौनी थर्मल प्लांट को एनटीपीसी द्वारा बंद किए जाने के ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट कर बिहार सरकार पर निशाना साधा और लिखा है कि बिहार में बिजली दर देश भर में सबसे अधिक होने के बावजूद सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी की बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल।
बिहार में नवरात्र के मौके पर चलेगा टीकाकरण का विशेष अभियान। 9 और 11 को सभी जिलों में मिलेगा वैक्सीन। बिहार में नवरात्र के मौके पर टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 9 और 11 अक्टूबर को टीकाकरण केंद्रों के अलावा शहर के विशेष पूजा पंडालों में भी टीकाकरण लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने 38 जिलों को इस संदर्भ में टीका का आवंटन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना टीकाकरण अभियान की गति देने के लिए 9 तथा 11 अक्टूबर को विशेष टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 38 जिलों को 9 तथा 11 अक्टूबर को विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह अभियान पिछले अभियानों से बहुत अलग होगा। कोरोना टीकाकरण महाअभियान पूरे राज्य में एक साथ संचालित किया जाता है। दुर्गा पूजा के बीच विभाग ने कोरोना टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए यह निर्णय लिया है, ताकि लोगों का अधिक से अधिक टीकाकरण किया जा सके। दुर्गा पूजा के मेले में होगा कोरोना का टेस्ट। वैक्सीन लेने वालों को ही मिलेगी पंडालों में एंट्री। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। खासकर इस बार पंडालों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को दिए गए निर्देश के तहत पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा आयोजन समिति को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार के पास हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने को लेकर दुर्गा पूजा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में दुर्गा पूजा और मेला को लेकर साफ साफ यह लिखा गया है कि किस स्थिति में जिले के डीएम दुर्गा पूजा में पंडालों और मेला को अनुमति देंगे। सीएम नीतीश ने साफ निर्देश दिया है कि जो लोग कोरोना प्रभावित राज्यों से बिहार में आएंगे, उनके लिए कोविड जांच जरूरी है। मतलब साफ है कि बिहार में जो लोग दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मौके पर आएंगे, वह कोविड जांच जरूर कराएं। त्योहारों के दौरान जुलूस और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिले के डीएम क्या करेंगे और उनके लिए क्या मापदंड तय किया गया है, अब हम इसकी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक त्योहारों के दौरान बिहार के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उसके कारण कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन और जुलूस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर आदेश निर्गत किया जाएगा। के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर बनने वाले पंडालों या स्थानीय मेला का परमिशन देने के लिए जिला प्रशासन को 2 विशेष चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, संबंधित पंडाल या मेला प्रबंधक और कार्यकर्ताओं ने कोरोना का टीका कम से कम 1 डोज ली हो, और दूसरा, पंडाल या मेला लगाने के लिए स्वीकृत किए जाने वाले स्थान को घेराबंदी की जाए और प्रवेश द्वार पर आगंतुकों को टीकाकरण संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था की जाए। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हेडमास्टर की बहाली में हो सकते हैं शामिल। पटना हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना उच्च न्यायालय ने टीएटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों संघ को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि पिटिनर्स अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीटी को अनिवार्य करने की मांग हो रही है। टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के संघ ने प्रधान शिक्षक नियुक्ति नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसमें सुधार की मांग की है। केस में पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत संघ को दी है। संघ की ओर से हाईकोर्ट के वकील कुमार सानू ने बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि पिटिशनर संगठन के सभी सदस्य अभी प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आगे कोर्ट का जो भी फैसला अंतरिम रूप में होगा वही मान्य होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।